नमस्कार, मैं हूं शुभ मिश्रा और आप देख रहे हैं 200 गांव 200 खबर। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय और अब देखते हैं तेज रफ्तार में गांव और शहरों की 200 खबरों को। वैशाली में अपराधियों से दहशत, बाइक सवार अपराधियों ने मरई रोड पर की अंधाधुंध फायरिंग, गोलीबारी करते हुए पासवान चौक की तरफ भागे अपराधी। बेगूसराय में बाइक सवार अपराधियों ने युवक को मारी गोली, हथियार लहराते हुए फरार, जांच में जुटी पुलिस। मुंगेर के रतैठा गांव में घर में लगी भीषण आग, अगलकी में गोहाल में रखा सारा सामान जलकर राख। किशनगंज नगर परिषद चुनाव को लेकर नॉमिनेशन का आखिरी दिन, सांसद प्रतिनिधि की पत्नी ने किया नामांकन। समस्तीपुर के मुफस्सिल थाना क्षेत्र में पदस्थापित एएसआई प्रमोद कुमार की अचानक हुई मौत, ड्यूटी के लिए निकलने के दौरान बिगड़ी थी तबीयत। मुंगेर के खैरा गांव में सिगरेट उधार नहीं देने पर दुकान में घुसकर मारपीट, एक युवक गंभीर रूप से जख्मी। छपरा के दिगवारा से एक स्कूली छात्र रहस्यमय ढंग से लापता, खुशवंत सिंह है लापता छात्र का नाम। पटना के जेपी सेतु रेलवे ब्रिज पर फोटो सेशन कराना, युवक को पड़ा महंगा, अचानक ट्रेन आने के बाद युवक गंगा नदी में गिरा, जांच में जुटी पुलिस। गया के बाराचट्टी में मोबाइल दुकान में चोरी का खुलासा, 3 आरोपियों ने पुलिस को किया गिरफ्तार। नालंदा के राजगीर में बंद घर से मिला महिला का शव, महिला का पति के साथ चल रहा था अनबन। मोतिहारी में बाइक लुटेरा गिरोह के 5 अपराधी गिरफ्तार, चोरी की 3 बाइक बरामद, कट्टा कारतूस 5 मोबाइल जब्त। हाजीपुर में भगवान विश्वकर्मा की मूर्ति विसर्जन के दौरान हादसा, टाटा मोटर्स के 2 कर्मी गंडक की तेज धार में बहे, दोनों युवक की तलाश जारी। दरभंगा के विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र में बाइक चोर गिरफ्तार, श्यामा मंदिर परिसर में हुई गिरफ्तारी। धनबाद के अलकडीहा ओपी इलाके में नाबालिग के साथ दुष्कर्म, पड़ोसी युवक ने दुष्कर्म के बाद वीडियो किया वायरल। बोकारो के पेटरवार में ठनका गिरने से 2 युवक की मौत, सेंट्रिंग का कर रहे थे काम, परिजनों में मचा कोहराम। धनबाद के गोविंदपुर थाना इलाके में अवैध कोयले को लेकर छापेमारी, 2 कोयला कारोबारी गिरफ्तार। चतरा में उत्पाद विभाग ने लाखों की शराब की अवैध खेप को पकड़ा, 2 भूमिगत शराब बंकरों को किया ध्वस्त। नवादा में 3rd इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का आयोजन, बॉलीवुड एक्टर मुश्ताक खान और डायरेक्टर अनिल दुबे हुए शामिल। राबड़ी आवास पर लालू तेजस्वी से मिले कांग्रेस नेता, राहुल गांधी की पदयात्रा की दी जानकारी, यात्रा में शामिल होने का दिया न्योता। अमित शाह की रैली के बाद महागठबंधन भी करेगा रैली, पूर्णिया किशनगंज और कटिहार में होगी रैली। अमित शाह के दौरे को लेकर ललन सिंह के बयान पर बीजेपी का पलटवार, विजय सिन्हा ने कहा कि शाह के आगमन से पूरब का होगा उदय। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने किया बीजेपी कार्यालय का भ्रमण, पीएम मोदी के जीवन पर लगी प्रदर्शनी को देखा, राधामोहन सिंह और संजय जायसवाल रहे साथ। बिहार बीजेपी प्रभारी विनोद तावड़े के नेतृत्व में कोर कमेटी की बैठक, संगठन को लेकर की गई चर्चा। तारिक अनवर का कांग्रेस के नेताओं ने पटना एयरपोर्ट पर किया विरोध, डेलीगेट्स में युवाओं को जगह नहीं देने का आरोप, कांग्रेस के अंदर कलह शुरू। दरभंगा के मशहूर चिकित्सक पद्मश्री स्वर्गीय डॉक्टर मोहन मिश्रा के घर पहुंचे मंत्री संजय झा, परिजनों से की मुलाकात, मिथिला पेंटिंग और पाग चादर से स्वागत। 3 दिवसीय दौरे पर केंद्रीय रेल राज्य मंत्री पहुंचे साहिबगंज, पार्टी के विभिन्न कार्यक्रमों में लेंगे हिस्सा। बागामा के बलिया गांव में ईसीएल की गाड़ियों को ग्रामीणों ने रोका, ईसीएल पर गांव की बिजली काटने का आरोप। पटना समेत बिहार में डेंगू का कहर लगातार जारी, राज्य में मरीजों की संख्या 350 के पार, पीएमसीएच, आईजीएमएस और एनएमसीएच में रोज नए मरीज भर्ती। मसौढ़ी के पहाड़ी मौजा और रानीपुर मौजा में जमीन अधिग्रहण के खिलाफ धरना जारी, प्रस्तावित मेट्रो यार्ड निर्माण के लिए जमीन अधिग्रहण के खिलाफ धरना। भागलपुर के सबौर प्रखंड में गंगा का कटाव तेज, इंग्लिश गांव में दहशत, कई घर गंगा में समाये। मधुबनी के बेनीपट्टी प्रखंड में पानी टंकी धाराशाही, 15 लाख की लागत से 2 साल पहले हुआ था निर्माण। रांची में रेडक्रॉस के ब्लड बैंक का लाइसेंस खत्म, 2019 की जांच रिपोर्ट में खुलासा, लाइसेंस रिन्यूअल की प्रक्रिया शुरू। धनबाद में बहुजन जागरण का कार्यक्रम, मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुए भीमराव अम्बेडकर के प्रपौत्र। हजारीबाग बस हादसे के घायलों से मिले विधायक अंबा प्रसाद, अस्पताल में घायलों का जाना हाल, बेहतर इलाज के दिए निर्देश। हजारीबाग के सांसद जयंत सिन्हा पहुंचे पतरातू पीएचसी का लिया जायजा। दादर नगर हवेली में जेडीयू को बड़ा झटका, जेडीयू की पूरी इकाई का बीजेपी में विलय, दिल्ली में जेपी नड्डा की मौजूदगी में विलय। बीजेपी प्रभारी विनोद तावड़े और स्मृति ईरानी का नीतीश कुमार पर हमला, 2013 में नरेंद्र मोदी की रैली में बम धमाके का जिक्र, कहा तब की सरकार की वजह से हुआ ब्लास्ट, आज भी है वही सरकार, अब उस सरकार को बदलने के लिए करेंगे काम। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने नीतीश सरकार पर बोला हमला, कहा प्रधानमंत्री बनने की चिंता में लगे हैं नीतीश।
पटना दौरे पर केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी और बिहार बीजेपी प्रभारी विनोद तावड़े। ज्ञान भवन में पीएम नरेंद्र मोदी पर लिखी गई पुस्तक का किया विमोचन। अमित शाह के सीमांचल दौरे के पहले सियासी सरगर्मी बढ़ी। जेडीयू अध्यक्ष ललन सिंह ने कहा, धार्मिक उन्माद फैलाने आ रहे अमित शाह। सीएम नीतीश के यूपी से लोकसभा चुनाव लड़ने के कयास पर बीजेपी में सियासी बयानबाजी। बिहार में तेज। जेडीयू अध्यक्ष ने कहा, विपक्षी एकजुटता के लिए नीतीश कहीं से भी लड़ सकते हैं चुनाव। सीएम नीतीश की यूपी से लोकसभा चुनाव लड़ने के कयास पर सियासी बयानबाजी तेज। सुशील मोदी ने कहा, यूपी में नीतीश का स्वागत, लेकिन चुनाव में जब्त कराएंगे जमानत। नीतीश कुमार के यूपी से चुनाव लड़ने पर बोले संजय जायसवाल, नीतीश कुमार को शुभकामनाएं, चुनाव लड़ने के बाद पता चलेगा नीतीश कहां है। केंद्रीय राज्य मंत्री अश्विनी चौबे ने नीतीश कुमार पर बोला हमला, कहा औंधे मुंह गिरेंगे नीतीश कुमार। सुपौल के वीरपुर में हिट एंड रन मामले में चार युवकों की मौत। हंगामा कर रहे लोगों पर पुलिस ने किया लाठीचार्ज। सुपौल के वीरपुर में पुलिस ने लाठीचार्ज में महिला समेत कई लोग जख्मी। मुठभेड़ में दोनों तरफ से चली कई राउंड गोली। कई नक्सलियों को गोली लगने की सूचना। चतरा पलामू सीमा पर बिरमाट कुम जंगल में मुठभेड़ की घटना। आग से किसी के भी हताहत होने की खबर नहीं। आग लगने के बाद भारी संख्या में मौके पर जमा हुए लोग। कुछ दिनों पहले ही खुला है नर्सिंग होम। जमशेदपुर के बागबेड़ा बड़ौदा घाट में नदी में डूबा किशोर। माँ के साथ जीतिया में नहाने गया था ऋषि। जामताड़ा के करमाटांड में दो साइबर क्रिमिनल गिरफ्तार। समी मंसारी और करी मंसारी गिरफ्तार। लखीसराय के भनपुरा गांव में पुलिस और उत्पाद विभाग की छापेमारी। दो शराब तस्कर गिरफ्तार। हजारीबाग के ओकनी बड़ा तालाब से मिला अज्ञात का शव। शव के नहीं हो पाई शिनाख्त। पटना सिटी में लुटेरा गिरोह का पर्दाफाश। गैंग के दो सदस्य गिरफ्तार। रोहतास के डेहरी में शराब के नशे में सड़क पर गिरा मिला सिंचाई विभाग का कर्मी। स्थानीय लोगों ने वीडियो बनाकर किया वायरल। धनबाद की चिरकुंडा में अवैध कोयला के खिलाफ छापेमारी। भारी मात्रा में अवैध कोयला जब्त। खगड़िया के दुर्गापुर गांव में बच्चों की लड़ाई में दो पक्षों के बीच जमकर मारपीट। दोनों तरफ से आधा दर्जन लोग जख्मी। बगहा में एक महीने पहले गायब हुआ पिकअप वैन तिरहुत नगर में मिला। रिलायंस का सामान लेकर पटना से बगहा डिलीवरी करने गया था ड्राइवर। बांका के तेलिया पोखर प्राथमिक स्कूल से फर्जी महिला टीचर गिरफ्तार। निगरानी की जांच में पाई गई फर्जी। दूसरे के मार्कशीट पर 2015 से कर रही थी नौकरी। औरंगाबाद में झारखंड के पूर्व विधायक शिवपूजन मेहता की गिरफ्तारी की मांग। सुजीत मेहता हत्याकांड से जुड़ा है पूरा मामला। गुमला के रायडी में करंट लगने से मासूम बच्चे की मौत। आक्रोशित ग्रामीणों ने रोड जाम कर किया हंगामा। भागलपुर के बरारी रोड पर सड़क पर धसा गेहूं लदा ट्रक। दो महीने पहले बनी थी सड़क। गुड्डा के कुरमन में बच्चा चोर समझकर विक्षिप्त महिला की पिटाई। भीड़ से बचाकर महिला को थाने लेकर पहुंची पुलिस। सिवान के सोंधानी गांव में रहने वाले नौसैनिक बैजनाथ सिंह की मौत। तमिलनाडु के रामेश्वरम में करंट लगने से गई जान। गया में गोदावरी सरोवर में डूबने की वजह से नगर निगम के सफाई कर्मी की गई जान। मुनेश्वर मांझी के रूप में हुई मृतक की पहचान। जमुई के सिजवा गांव में वज्रपात का कहर। ठनका गिरने से एक अधेड़ की मौत। सिवान के पिपरहिया गांव में बिजली की चपेट में आने से महिला की मौत। परिजनों का रो रोकर बुरा हाल। बांका के सुल्तानपुर गांव में पोखर में डूबकर एक बच्चे की मौत। स्नान करने के दौरान हुआ दर्दनाक हादसा। लखीसराय के भनौरा गांव में सांप काटने से एक युवक की गई जान। परिजनों में कोहराम। नवादा के बसकंडा गांव में एक युवक ने फांसी लगाकर की आत्महत्या। चाईबासा में तेज रफ्तार बस का एक्सीडेंट। हादसे में दो लोग घायल। धनबाद के डीएस कॉलोनी में बुजुर्ग महिला पर घर में घुसकर हमला। पड़ोसी युवक ने महिला को लहूलुहान कर छीने जेवरा। हजारीबाग बस हादसे से पहले का वीडियो आया सामने। बस में सवार लोग कर रहे थे भजन कीर्तन। हादसे में मरने वालों की संख्या हुई 8। हजारीबाग बस हादसे में 8 लोगों की मौत का मामला। गिरिडीह लाए गए मृतकों के शव। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल। हजारीबाग में बस हादसा मामला। टाटीझरिया पहुंची न्यूज 18 की टीम। चारों तरफ बिखरा दिखा बस का मलबा। खगड़िया में दो दिन में दो युवकों की संदेहास्पद परिस्थिति में मौत। परिजनों ने जताई शराब से मौत की आशंका। महाराष्ट्र ईटीएस की गिरफ्त में हजारीबाग का रहने वाला भाकपा माओवादी। 15 लाख का इनामी था कारू हजार यादव। धनबाद में चल रहा अवैध कोयले का काला खेल। एक युवक ने वीडियो जारी कर किया भंडाफोड़। न्यूज 18 वायरल वीडियो की नहीं करता पुष्टि। ड्यूटी पर तैनात बीएसएफ जवान भगवान सिंह की मौत। पेटा के मखदूमपुर गाँव के रहने वाले थे शहीद। औरंगाबाद के सजीवन बिघा में तेज रफ्तार दो बाइक ने 5 लड़कियों को मारी टक्कर। गंभीर हालत में 5ों को अस्पताल में कराया गया भर्ती। पटना सिटी में नालंदा मेडिकल कॉलेज कैंपस के ओसीएच हॉस्टल में लगी आग। फॉल सीलिंग में शॉर्ट सर्किट की वजह से हुई घटना। रोहतास के प्रतापपुर गांव में तालाब में डूबने से 18 साल के युवक की गई जान। नहाने के दौरान गहरे पानी में चले जाने से हुआ हादसा।
बाढ़ के बख्तियारपुर थाना इलाके में ठनका की चपेट में आने से एक व्यक्ति की मौत। वैशाली की जिंदाहा में गांधी चौक पर बिजली के पोल में लगी आग, करंट लगने से एक युवक झुलसा। पूर्णिया के बिलगाछी घाट पर परवान नदी में डूबने से एक मछुआरे की मौत। देवघर के शिवगंगा में डूबकर युवक की मौत, मछली मारने गया था युवक। छपरा के बारोपुर गांव में नदी में डूबे बच्चे का शव दो दिन बाद बरामद। मुजफ्फरपुर में जीरो माइल के पास शराब के नशे में कार सवार ने चार लोगों को रौंदा, एक की हालत गंभीर, आरोपी ड्राइवर गिरफ्तार। बोकारो के गवाई नदी पुल पर बेकाबू होकर पलटा दूध लदा ट्रक। मुंगेर में केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने बिहार सरकार पर साधा निशाना, कहा बिहार को पतन की ओर ले जा रही नीतीश सरकार। तेजस्वी की जमानत रद्द करने की याचिका पर जगदानंद सिंह ने जताई आपत्ति, कहा तेजस्वी के साथ खड़ी है जनता, कोर्ट का करेंगे सम्मान। बिहार में पशु तस्करी पर न्यूज 18 के खुलासे पर जगदानंद सिंह का बयान, केंद्र सरकार को ठहराया जिम्मेदार। लखीसराय में शहीद जगदेव प्रसाद के शहादत दिवस के मौके पर कार्यक्रम, जेडीयू अध्यक्ष ललन सिंह और उपेंद्र कुशवाहा ने दी श्रद्धांजलि। खगड़िया के मानसी में जेडीयू के सदस्यता अभियान की शुरुआत, जिला अध्यक्ष बबलू मंडल ने सैकड़ों लोगों को दिलाई सदस्यता। अमित शाह की सभा में अररिया में 50,000 लोग करेंगे शिरकत, सांसद प्रदीप सिंह ने घर घर संपर्क अभियान किया तेज। झारखंड में कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा रूपरेखा तैयार करने के लिए सुबोधकांत सहाय के आवास पर हुई बैठक। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की समीक्षा बैठक पर बयानबाजी शुरू, बीजेपी ने सरकार को हर मोर्चे पर बताया विफल। लोहरदगा में बीजेपी के सेवा पखवाड़ा में शामिल हुए खूंटी विधायक नीलकंठ सिंह मुंडा, कहा बीजेपी झारखंडी हित की पक्षधर। 1932 के खतियान को मंजूरी मिलने पर आज सुने उठाए सवाल, पूछा सरकार किस खतियान के आधार पर नियोजन में बढ़ रही है आगे। मंजीत जमा खान ने बेगूसराय गोलीकांड पर विपक्ष को घेरा, बीजेपी पर सत्ता के लिए बेवजह के मुद्दों को तूल देने का लगाया आरोप। विधायक अजीत शर्मा ने मृत सिल्क कारोबारी के परिजनों से की मुलाकात, प्रशासन को बताया लापरवाह, आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी की मांग। गोपालगंज आरजेडी में संगठनात्मक चुनाव से पहले आंतरिक कलह की शुरुआत, किसान सेल के अध्यक्ष अरुण सिंह ने लगाया भेदभाव का आरोप। भागलपुर में विधायक अजीत शर्मा से मिले पासी समाज के लोग, उत्पाद विभाग में नीरा बेचने पर प्रताड़ित करने का लगाया आरोप। हेमंत सरकार के खतियान के लेकर किए गए फैसले पर बीजेपी विधायक ने बोला हमला, सीपी सिंह बोले सरकार की नीति और नियत बिल्कुल साफ नहीं। जहानाबाद में निकाय चुनाव को लेकर पुलिस ने चलाया वाहन जांच अभियान, कई लोगों से वसूला गया जुर्माना। बांका के अमरपुर में निबंधन कार्यालय खोलने की तैयारी, विभाग की ओर से 22 सितंबर तक काम शुरू करने का दिया गया निर्देश। खगड़िया में कोरोना वॉरियर्स के लिए सम्मान समारोह का आयोजन, 150 कोरोना वॉरियर्स को प्रमाण पत्र देकर किया गया सम्मानित। छपरा के राजेंद्र स्टेडियम में नीलिमा बसु फुटबॉल मैच का आयोजन, श्रम संसाधन मंत्री सुरेंद्र राम ने किया प्रतियोगिता का उद्घाटन। मुंगेर में अपनी मांगों को लेकर आयुष चिकित्सकों की बैठक, मांगे पूरी नहीं होने पर आंदोलन का ऐलान। रांची में सीएम हेमंत सोरेन पर फैन अमृत बहादुर, सीएम से एक ऑटो की मांग। मधुबनी में कमला नदी में बढ़ा पानी का दबाव, नेपाल में हो रही लगातार बारिश का असर, जल संसाधन विभाग अलर्ट। पटना में तेजस्वी यादव से मिलने पहुंचे दारोगा अभ्यर्थी, मेरिट लिस्ट में आने के बाद भी 500 अभ्यर्थियों की नहीं हुई बहाली। पूर्णिया में मूसलाधार बारिश के बाद जलजमाव, डॉलर हाउस चौक के पास मुख्य सड़क पर लगा पानी। सरायकेला के गमरिया में मनसा पूजा की धूम, जिंदा सांपों के साथ नाचते नजर आए श्रद्धालु। रामगढ़ के चितरपुर प्रखंड में रात्रि जागरण का आयोजन, विश्वकर्मा पूजा को लेकर कार्यक्रम। झारखंड पहुंची अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा की रथ यात्रा। जहानाबाद के सदर अस्पताल में रक्तदान शिविर का आयोजन, लोगों ने बढ़ चढ़ कर लिया हिस्सा। देवघर पहुंचे बजरंग दल के राष्ट्रीय संयोजक नीरज दनौरिया, लव जिहाद और धर्मांतरण को लेकर नए कानून बनाने की मांग। पटना में एक दिवसीय हिंदू महासभा की बैठक, यशवंत सिंह बने राष्ट्रीय संगठन मंत्री सह राष्ट्रीय सचिव। राज्य में बैंक एम्प्लॉयज एसोसिएशन की बैठक, केंद्र पर बैंकों के निजीकरण की साजिश का आरोप। बोकारो में भारत एकता गृह निर्माण सहयोग समिति की बैठक में हंगामा, उपाध्यक्ष और सचिव पर लगा भ्रष्टाचार का आरोप। शेखपुरा में अवैध आरा मशीन के बड़े पैमाने पर संचालन, सरकारी पेड़ों की अवैध कटाई और धड़ल्ले से की जा रही बिक्री। भागलपुर में आईएपीएम बिहार चैप्टर ACH के साथ एक दिवसीय वैज्ञानिक सत्र का आयोजन, देश विदेश से पैथोलॉजी विभाग के चिकित्सकों ने लिया भाग। शेखपुरा के कुसुम्बा पंचायत में मनरेगा योजना में बड़ा घोटाला। पटना सिटी के पंचवटी नगर कॉलोनी में जलजमाव से लोग परेशान। सासाराम के करगहर में पैक्स अध्यक्ष विजेंद्र यादव का श्राद्ध कार्यक्रम आयोजित। दुमका में स्थानीय नीति पास होने के बाद जश्न, भुरकुंडा के गोविंदपुर पंचायत में ग्रामीणों ने नाच गाकर मनाया जश्न। पटना के बापू सभागार में मनाई जाएगी लोकनायक जयप्रकाश नारायण की जयंती। रामगढ़ के हिलसा फुटबॉल ग्राउंड में फुटबॉल टूर्नामेंट का आयोजन, मिलन स्पोर्टिंग क्लब की तरफ से आयोजन।
बिहार से पहली बार IRCTC कराने जा रहे हैं स्वदेश दर्शन यात्रा। दरभंगा से 10 अक्टूबर को खुलेगी कई तीर्थस्थलों के लिए ट्रेन। नालंदा के लोदीपुर गांव में शाशा दूध उत्पाद केंद्र का शुभारंभ। ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार ने किया शुभारंभ। खगड़िया के मकतब इस्लामपुर मिडिल स्कूल में हिंदी पखवाड़े का आयोजन। छात्र छात्राओं ने हिंदी के महान कवियों की बनाई तस्वीरें। अरवल के कुर्था में पेंटिंग प्रतियोगिता का आयोजन। राम रतन हाईस्कूल की छात्रा ने मारी बाजी। जहानाबाद के सम्मान समारोह का आयोजन। स्काउट के पूर्ववर्ती छात्र छात्राओं को किया गया सम्मान। अररिया में 20 सितंबर से 4 दिवसीय बैडमिंटन प्रतियोगिता का होगा आयोजन। अंडर 19 जूनियर प्रतियोगिता के लिए आयोजन की चल रही तैयारी। पटना सिटी में चेहल्लुम पर निकाला गया आलम ताबूत और दुलदुल का जुलूस। हजारों की संख्या में लोग शामिल। छपरा में चेहल्लुम के मौके पर निकाला गया मातमी जुलूस। हजारों की संख्या में लोग मातम मनाते नजर आए। हैदराबाद में लेट्स इंस्पायर बिहार अभियान की पहली बैठक। हैदराबाद में रह रहे बिहारियों को बड़ी संख्या में अभियान से जोड़ने की मुहिम। जहानाबाद के मीराबिगा गांव में स्वच्छ बिहार अभियान को लेकर जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन। लोगों का बताया गया स्वच्छता का महत्व। लखीसराय में लॉयंस क्लब ने लगाया फ्री हेल्थ चेकअप कैंप। लोगों ने इलाज के बाद दी गई मुफ्त दवाएं। मधेपुरा सदर अस्पताल में डॉक्टरों का धरना। बायोमेट्रिक अटेंडेंस सहित 6 सूत्री मांगों को लेकर प्रदर्शन। बोकारो में बढ़ा डेंगू का प्रकोप। सदर अस्पताल में बढ़ने लगी मरीजों की संख्या। कटिहार के कूढ़ा प्रोजेक्ट कन्या विद्यालय में विज्ञान प्रयोगशाला का केमिकल एक्सपायर। कभी भी हो सकता है बड़ा हादसा। हल्की बारिश से पानी पानी हुआ जमुई सदर अस्पताल। ब्लड बैंक और चाइल्ड केयर यूनिट में भर गया पानी। भागलपुर शिशु अकादमी की तरफ से टीवी पर कार्यशाला का आयोजन। सिविल सर्जन ने दीप प्रज्वलित कर किया उद्घाटन। मनेर में टीचर मनोज कुमार चौरसिया ने अपने विद्यार्थियों के लिए रखा जीतिया का व्रत। लोहरदगा में शिक्षा नीति पर अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार का आयोजन। शिक्षा जगत की कई हस्तियां हुई शामिल। जमशेदपुर में फुटबॉल टूर्नामेंट का आयोजन। विधायक सरयू राय ने किया उद्घाटन। गुमला में सत्ता पक्ष के कार्यकर्ताओं ने निकाला जुलूस। 1932 के खतियान लागू होने पर जताई खुशी। गोपालगंज के तुलसिया गांव में पानी की जगह फिनाइल पी गया 5 साल का बच्चा। गंभीर हालत में सदर अस्पताल में भर्ती। जमशेदपुर में निकाला गया मातमी जुलूस। शिया समुदाय के लोगों ने जुलूस में की शिरकत। मूसलाधार बारिश के बाद जलमग्न हुआ गोपालगंज का मॉडल सदर अस्पताल। इमरजेंसी वार्ड के बाहर भरा घुटने भर पानी। खबरों का सिलसिला लगातार जारी। आप देखते रहिए न्यूज 18 बिहार झारखंड।